एक गांव देहात की पार्टी, एक गरीब किसान मजदूरों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बन गई है। अब आप सबका तो सहयोग हमेशा अपने अपने हिसाब से पार्टी को रहा है। जहां तक मैं समझता हूँ कि कुछ जो चीजें, जो कमियां विद्यालयों को लेकर, विद्यालयों को लेकर, शिक्षकों को लेकर है या हुई है, उससे हम भी जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि शासन लेकिन उसके सामने वही बच्चों के भविष्य को देखे। अब कोरोना की स्थिति जैसे हमेशा 3-4 साल इस महामारी का, हर 100 साल बाद आप पिछले का इतिहास देखें तो 2-3 साल रहता है, ये तीसरी लहर का भी आंशिक फर्क हुआ, बाकी कोई ऐसी स्थिति नहीं मिली। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के साथ, शिक्षा के जगत के साथ हम ना खड़े हों, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये तो हमारा दायित्व तो है, ये तो हमारा कर्तव्य है एक शिक्षक परिवार में जन्म लेने का। और मैंने, अगर हम कहें कि मैंने किया है तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जहां मुझे मौका मिला, जहां भी, जिस परिस्थिति में, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, जहां हमको मौका मिला हमने उसका सतत प्रयास किया। आज भी मैं अपने आप में संकल्पित हूँ कि जहाँ शिक्षक जगत में मेरा उपयोग या मेरी प्रयास हो सकेगा, मैं सतत प्रयास करूँगा। ज्ञापन तक नहीं रहेगा, ये हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। और एक बार तो है नहीं कि हम एक बार कह के आपसे फिर हमारा आपसे संबंध नहीं रहेगा। हम आपके सामने फिर विभिन्न कारणों से खड़े होंगे, तो किस मुंह से खड़े होंगे ये हम अपने आप में सोच रहे हैं। तो साथियों मित्रों, ये चुनाव प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और विशेषकर गोला विधानसभा के लिए, हमने जब भी जो भी सामने जो कुछ किया, हम अपने आप में इसलिए संतुष्ट रहते हैं कि आप पहले 7 विधानसभा थी, आज 8 विधानसभा। किसी भी मामले में, चाहे रोड्स के मामले में, चाहे लाइट के मामले में, चाहे किसी भी विभाग के संबंधित, चाहे छोटी सी बात जैसे पेंशन के मामले में, तो 8ों विधानसभा का जनपद में रिकॉर्ड है। मैं अपने आप में संतुष्ट हूं कि मैंने 8ों विधानसभा में सर्वाधिक गोला विधानसभा अग्रणी है हर मामले में, चाहे आवास के मामले में, चाहे शौचालय के मामले में, चाहे किसी सड़कों के मामले में, पुल पुलियों के मामले में। अगर दूसरे विधानसभा में 10 बनी होंगी तो हमारे विधानसभा में 12 जरूर बनी। मेरा प्रयास रहता है जिले से लेकर प्रदेश तक कि हम इसको करें। गोला में बहुत सी चीजें हुई, उन सब चीजों को गिनाने की आवश्यकता नहीं। जैसे छोटा सा उदाहरण है चैती मेला, 1995 में आपने नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया, उससे पहले चैती मेला की क्या स्थिति थी, एक मतलब थोड़ा सा उदाहरण है, बाकी कुछ नहीं। और आज चैती मेला की क्या स्थिति है, तो हम सब चीजों का हमेशा ध्यान रहता है और मेरा प्रयास रहता है कि मैं गोला को कुछ नया देता हूँ और देने का प्रयास करता हूँ, सफल भी हुआ हूँ। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी आवश्यकता है। 12 से 17 के बीच में गोला में क्या हुआ, क्या नया जुड़ा, आप बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आज जो लोग कहते हैं बिजली का बिल माफ करेंगे या फलाने जुड़ा का, 12 से 17 के बीच में बिजली हफ्तों का, सुबह आएगी, कई घंटे आएगी, घंटों से हिसाब से होता था। आज आपको गोला में कम से कम 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही। मुख्यमंत्री जी की कृपा से 220 MVA का कपरा में, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा विद्युत घर हमको मिल गया, जिसकी वजह से अब तमाम समस्याएं उसका निराकरण, हालांकि वो चालू आधा हो गया, 40 MVA, 220 MVA, 40 MVA का एक ट्रांसफर जो फॉल्ट उसमें आई है, जिसकी वजह से थोड़ी कमी आई, वरना वो पूर्ण रूप से चालू हो गया। तो ऐसे ही तमाम चीजें हैं, तमाम से विषय हैं, उन सबको पूरा करना है। आपसे शक्ति मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं समझता हूँ आपकी गरिमामय उपस्थिति निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद देने के लिए। बस इतना कहना चाहूँगा कि ये आज तारीख हो गई है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 दिन बचे, 6 दिन मतदान करना है। आपसे कृपा चाहता हूँ कि जहाँ आपका तमाम समय बच्चों के भविष्य बनाने में लगता है, वही मैं अपने भविष्य के लिए भी 5 दिन आपसे मांगता हूँ, ये जरूरी है। आज वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े थे, जो राजनीति के विचारधाराओं के कारण अलग थे,
लेकिन आज उनके मन में भी खेत खलियान में बैठा हुआ मेड़ पर बैठा हुआ किसान भी देख रहा है कि हाँ क्या होना चाहिए। आज गांव में जिसको बहुत कुछ नहीं मालूम लेकिन वो एक नया नारा लगाया उसने परसों में था किसी गांव में कि बुलडोजर बाबा की जय। ये नारा किसने गढ़ा? कोई शहर से नहीं गया है, ये गांव का व्यक्ति भी जान गया है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा योगी जी ही कर सकते हैं। जिन परिस्थितियों में 12 से 17 के बीच में प्रदेश के पटल पे जो घटित हुआ उसको बाबा ने समाप्त किया, ये आज गांव के चौपाल की चर्चा है। शहर में तो आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, सब एक ही चीज जानते हैं, तो इसलिए हम आपसे कहते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे अभी दो जगह इसी तरीके से शहर में, और आज पूरी ताकत लगी थी कि मैं ब्लॉक बिजुआ के ही केवल एक मीटिंग थी वो, और 21 तारीख को जो उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है बोला, और मेरे लिए भी भविष्य है आदरणीय या जितना जी बहुत अपेक्षाएं हैं आपको। मेरी प्रार्थना है आप सभी से, आप अपने पूरे मंडल को, पूरे शिक्षक समाज को, मैं समझता हूँ मेरी कल्पना है कि जिस तरीके से जो हमारे बिजुआ ब्लॉक और पुगरी ब्लॉक और बाकेगंज ब्लॉक का दो न्याय पंचायत पड़ती हैं, सभी शिक्षक समाज को मैंने अपने अपने हिसाब से आमंत्रित किया है। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं प्राथमिक शिक्षक के, या जो गोला के जो हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ, और या आप जो आप सबसे भी विद्यालयों के प्रतिनिधित्व से हमें वार्ता हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि 5-6 हज़ार शिक्षकों की उपस्थिति जो मेरे कल्पना में है उस सभा में 5-6 हज़ार इस हमारे शिक्षकों की उपस्थिति एक अलग हो, अलग उनके लिए बैठने की व्यवस्था करूँगा, अलग उनके लिए अनाउंसमेंट होगा, अलग उनका बोर्ड लगेगा, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी लगेगा कि हाँ शिक्षक समाज यहाँ पर उपस्थित है। मैंने उनको संज्ञान में कई बार डाला है आप लोगों की समस्या को लेकर, और उस दिन भी मंच से मैं आप लोगों की समस्या को उनके सामने रखने का प्रयास करूँगा। मेरी आपसे अपेक्षा है कि जितना जो हो सके, कल परसों दो दिन का दिन है, सुबह 10 बजे उनकी मीटिंग है, पहली मीटिंग है इसलिए जैसे वो 12 बजे तक यहाँ से निकल जाए, तो मैं चाहता हूँ कि विद्यालय में जाना भी आवश्यकता है लेकिन उस दिन कैसे भी छुट्टी लें या कुछ करें या जैसे भी व्यवस्था बना पाए, 10 बजे वहाँ पब्लिक इंटर कॉलेज में मैं शिक्षकों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था कराने का काम करूँगा, जहाँ 5,000 कुर्सी अलग से आप शिक्षकों के लिए होंगी, जो प्राथमिक माध्यमिक और उच्च और अवकाश प्राप्त जैसे हमारे पांडे जी बैठे हैं इनका भी अलग, तो इसी तरीके से एक जब शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल अलग से होगा और शिक्षकों की तरफ से वहाँ पर कुछ इसमें चिन्ह देने का काम होगा, तो निश्चित रूप से उनको इस बात का ध्यान रहेगा कि हाँ शिक्षक समाज हमारे स्वागत में खड़ा है, तो हम भी उनके लिए अपने दायित्व को निभाएं। इस बात का मैं चाहता हूँ कि कैसे एक परिधान में एक नए उसमें लगे कि हाँ आज शिक्षक समाज इस सभा में है, ये आप सब लोग अपना सुनिश्चित करिएगा। और माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षक सभी शिक्षकों से मेरा ये निवेदन रहेगा। मेरा निवेदन ये भी है कि साथियों मित्रों, जैसे आप शिक्षक हैं आज किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, कल आप प्रिंसिपल बनना चाहेंगे, उसी तरीके से मैं 4 बार विधायक हो गया हूँ। वैसे तो इस सरकार में आप विश्वास मानिए हम कहीं नहीं गए, इसलिए कि मन में थोड़ा अंदर से वो था, क्योंकि 9 से 15 तक एक ऐसा समय आता जैसे कभी किसी के ऊपर आता है खराब समय, मैं उसे अपना खराब समय समझूंगा। 2009 से और 2015 तक एक ऐसी स्थिति आई कि दोनों छोटे भाई मोंटी में गैस बल हो गए, बड़े एक्सीडेंट हो गए, मरते मरते बचे, परिवारिक स्थिति या मेरी भी राजनीतिक स्थिति 12 में कुछ था, 14 में कुछ था, 17 में कोई एजेंडा था है, लेकिन ये आप सबका आशीर्वाद था कि मेरा राजनीतिक नुकसान नहीं, हर परिस्थितियों में हमको जनता का विश्वास और बढ़ता चला गया। 17 में आप सबकी कृपा से 8 विधानसभा में सर्वाधिक वोट मिला,
इस बार जैसे आज एक करंट है ना, जैसे अंदर जनता के बीच जब चलता है तो लगता है कि मैं भी देखता हूँ कि जो 17 में मुझे मिला था, जिस समाज का मुझे मिला था, किस किस समाज का कितना प्रतिशत मिला था, ये सब आकलन रहता है ना। जैसे आप अपने अपने आप अपना आकलन करते हैं कि हमने कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने पास हुए, तो मैं भी सोचता हूँ मैंने कितना काम किया, क्या हुआ उसमें। और उसी तरीके से मेरे आज जो मुझे लग रहा है, जो आत्मबल बढ़ रहा है, जो आत्मविश्वास है कि हाँ 15 में 55,000 से जीत हुई थी और आपकी कृपा उसमें शामिल हो रही है, तो निश्चित रूप से और बढ़कर जैसे आज करंट जो दिखाई दिया जनता में, जितने मैंने अपेक्षा की थी, क्योंकि वो एक ब्लॉक की मीटिंग थी, ब्लॉक की मीटिंग का ये आलम है, तो मैं समझता हूँ 21 तारीख को गोला एक नया इतिहास लिखेगा अपनी उपस्थिति से। इसी प्रार्थना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी अंग्रेजों को आप सबको पाँच दिन निश्चित रूप से शिक्षक समाज का ये अवकाश प्राप्त क्या कहें उनके, मतलब अब शिक्षक भी विदा नहीं है, लेकिन मैं शिक्षकों के लिए एक बंधुआ मजदूर के रूप में रहूँगा, ये आपको बताता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।